सो है व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक लर्निंग विद जी। सो काफ़ी दिनों के बाद आए हैं हम ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सो एक भाई का मुझे डीएम आया था कि इस वाली पिक में मुझे कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग करके दिखाओ। मुझे ऐसा लगा तो नहीं था कि इस वाली पिक का हम ट्यूटोरियल डालेंगे यूट्यूब पे। मैं तो सोच रहा था कि मेरे इंस्टाग्राम की आईडी में से नीचे से ओल्ड पिक में से कोई भी आपको एक ट्यूटोरियल लाके जल्द से आप दिखा दूंगा, लेकिन भाई को नाराज नहीं करेंगे और ट्यूटोरियल बनाते ही रहेंगे। सो चैनल पे नए हो तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसी के साथ चलते हैं विदाउट एनी मोर टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो करते हैं फटाफट हमारी पिक को एडिटिंग। सो सबसे पहले यहाँ से मैं कर रहा हूँ हमारी पिक को इंस्टाग्राम साइज में क्रॉप, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ परफेक्ट, इतना काफ़ी है। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ से मैं कर रहा हूँ ऑटो करेक्ट, और एक्सपोजर मैं कर दूँगा 0, और यहाँ से हाईलाइट पूरे कम करके शेडोज पूरे बढ़ा दूँगा और ब्लैक्स पूरे डाउन कर दूँगा। ओके सो हमारा पहला काम होता है यहाँ पर ख़त्म। सो हमने लाइट एडजस्टमेंट सब वगैरह सब कुछ बराबर कर लिया है। तो उसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट HSL में, और HSL में सबसे पहले यहाँ मैं पर्पल कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और पर्पल कलर के ह्यू में पूरा माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी पर्पल होगा वो ब्लू शेड हो जाएगा, मतलब एक पिक में एक ब्लू टोन हल्का सा एक ऐड हो जाएगा। सो येल्लो तो हमारा मेन पॉइंट है, लेकिन उसका लुमिने का हम बढ़ा देंगे और ग्रीन पूरा माइनस कर देंगे, और इसके साथ ये भी हम माइनस कर देंगे, और हमारे चेहरे के कलर को भी थोड़ा बहुत नॉर्मली माइनस करके उसका लुमिनेक बढ़ा देंगे। और यहाँ पे रेड कलर जो हमारे चेहरे पे यहाँ पे रेड रेड में सब दिख रही है, और जिससे हमारे पे काफ़ी अलग दिख रही है, सो हम रेड को भी बढ़ा देंगे, जिससे हमारा फेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो यहाँ से डन, हमें HSL में ज़्यादा काम करेंगे नहीं, और उसके बाद जाते हैं डायरेक्ट हम कलर ग्रेडिंग के स्टेज पे। तो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग में सबसे पहले मैं यहाँ शेडोज में देखो हमेशा की तरह यहाँ से मैं ब्लू सिलेक्ट कर लूँगा, कुछ ज़्यादा उसका सिचुएशन बढ़ गया है तो यहाँ से मैं कम कर दूँगा अराउंड अकॉर्डिंग टू पीक परफेक्ट। और यहाँ से मैं मिड टोन्स में भी येलो ही लूँगा, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। तो यहाँ से डन। सो कलर ग्रेडिंग और लाइट एडजस्टमेंट करने के बाद हम चलते हैं फटाफट हमारे टेक्सचर और क्लियरिटी की तरफ। तो यहाँ से मैं टेक्सचर में बढ़ा रहा हूँ अराउंड 18, और क्लियरिटी में माइनस कर रहा हूँ अराउंड 25, देख सकते हो एक ड्रीम टाइप लुक आ जाएगा। और यहाँ से हमेशा विगनेट को मैं अराउंड 10 माइनस रखूँगा, और उसका हाईलाइट्स में बढ़ा दूँगा, जहाँ जहाँ हाईलाइट्स पड़ रही है हमारे पिक में वो सारा पार्ट उसमें से इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो जाएगा। और चलते हैं डायरेक्ट हम शार्पनिंग की तरफ, और शार्पनेस यहाँ पे बढ़ा दूंगा 45 अराउंड 30, और उसका भी हम मास्किंग कर लेंगे, जिससे हमारा एक मस्त अच्छा से एक शार्पनेस हो जाए। और यहाँ से डन, उसके बाद हमें बढ़ा दूंगा नॉइज रिड्यूसन, जिससे हमारा चेहरा काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। और उसके बाद करते हैं हम कलर नॉइज, जहाँ भी कलर में नॉइजेस वगैरह हो गए वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ से डन, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। सो हम अब देने वाले हैं हमारे पिक को फाइनल टच। तो यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट सिलेक्टिव टूल्स में, और सिलेक्टिव टूल में मैं पहले ले लूँगा लाइनर ग्रेडियंट। मैं नीचे से अपने पिक में हमेशा डार्क रखता हूँ, और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप नीचे से अपना पिक में मतलब एक अलग सा आपका टोन दिखेगा, और एक पिक भी एकदम अलग से अच्छी लगेगी आपकी। सो यहाँ से मैं माइनस कर रहा हूँ, और उसका टेक्सचर में टेक्सचर को भी माइनस कर रहा हूँ। सो यहाँ से डन। इतना होने के बाद हम वापिस से जाते हैं सिलेक्टिव टूल्स में, और यहाँ से वापिस से रेडियल ग्रेनेट सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से रेडियल ग्रेनेट बना देते हैं, और उसका एक्सपोजर नॉर्मली बढ़ा देते हैं, और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे। सो यहाँ से डन। सो हमारा पिक देख सकते हो काफ़ी अच्छी लगने लगी है, और आपको इस पिक का रिसर्च चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो
सो प्रीसेट यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से जाना है, कॉपी सेटिंग्स करनी है और कॉपी सेटिंग में सब कुछ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डन। और उसके बाद चलते हैं हमारे पिक्स की तरफ और आप यहाँ सिंपली जाके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और देख सकते हैं पिक में काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा, लेकिन आपको नॉर्मल चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग पिक के तरफ। सो करते हैं हमारी वीडियो को यहीं पे एंड। आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो ऐसे ही ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल्स मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा। अगर आप भी एक कमेंट कर दें कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, अगर मेरी इंस्टा की काफ़ी सारी ओल्ड पिक्स में से आपको कौन से पिक का ट्यूटोरियल देखना है तो आप फटाफट मेरी इंस्टाग्राम की आईडी के भी चेक करो और फटाफट मुझे बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाया जाए और कौन सा ट्यूटोरियल लाया जाए। सो चलते हैं इसी के साथ, मिलते हैं एक नई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।